नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में बहार है, लेकिन इस बहार के बीच युवा बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं। ये सच्चाई है बिहार की। हालात ये हैं कि चपरासी जैसी ग्रुप डी की नौकरी के लिए भी लाखों युवा इंटरव्यू के लिए पहुंच रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद सरकारी नौकरी मिल जाए तो जद्दोजहद भरी जिंदगी पटरी पर लौट आए। देखिए, नीतीश बाबू कहते हैं बिहार में बहार है। लेकिन बिहार का युवा आज बेरोजगार है। अभी कितना दिन से कोई वैकेंसी नहीं निकला? तकरीबन लगता 6 महीना। सरकारी नौकरी के लिए दिल बेकरार है। किस पोस्ट के लिए आए? ये ग्रुप डी के लिए, विधानसभा ग्रुप डी के लिए। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? हम तो ग्रेजुएशन पास हो गए हैं। यहाँ पे क्या खोज रहे हैं? अब जो मिला वही 10th पास। लेकिन आंखों के सामने छाया अंधकार है। MBA से लेकर ग्रेजुएट तक की कतार है। चपरासी की एक नौकरी की दरकार है। फोर्थ ग्रेड के लिए विधानसभा। कितने दिनों से चल रहा है इंटरव्यू? यहाँ सितंबर से चल रहा है। जी हाँ, बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि चपरासी जैसी नौकरी के लिए भी लाखों की तादाद में युवा पहुंच रहे हैं। बिहार विधानसभा में ग्रुप डी के लिए 186 वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए सितंबर से इंटरव्यू जारी है, जो जनवरी तक ऐसे ही जारी रहेगा, जहां नौकरी की आस लिए युवा रोज पहुंच रहे हैं। आंकड़ों की माने तो चपरासी की नौकरी के लिए करीब 5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है और रोजाना 1600 युवाओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है। अब तक करीब 4 लाख युवा इंटरव्यू दे भी चुके हैं। ये वो आंकड़े हैं जो बेरोजगारी से तंग बेजार हो चुके युवाओं की जिंदगी के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं, जिन्हें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक नौकरी की दरकार है। लेकिन फिलहाल बिहार में नौकरियों की जो हालत है, उससे तो यही लगता है कि अभी तो इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। अमिताभ ओझा, पटना, News24। तो ये आंकड़ों की सच्चाई है, लेकिन भले ही ये आंकड़े आपको चौंका रहे हों, सच काला सच यही है जो हमने आपको दिखाया इस रिपोर्ट के जरिए, जिससे बिहार के युवा हर रोज लड़ रहे हैं, अपने भविष्य को बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, सपनों के पूरे होने की बाट जोह रहे हैं। लेकिन नौकरी के मौकों पर ऐसा ग्रहण लगा हुआ है कि बिहार में बहार का दावा सिर्फ और सिर्फ छलावा नजर आता है। बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा में ग्रुप डी की नौकरी के लिए इंटरव्यू चल रहा और तस्वीरों में आपको बड़ी तादाद में युवा दिख रहे होंगे जो कि सरकारी नौकरी की उम्मीद से यहां पहुंचे हैं। हालांकि देखने में ये आपको बिल्कुल समान प्रक्रिया जैसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके आंकड़ों के बारे में जानेंगे तो यकीनन आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। बिहार में बेरोजगारी का क्या आलम है ये अगर देखना हो तो आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त हम बिहार विधानसभा के पास खड़े हैं और यहाँ पे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो ग्रुप डी की परीक्षा देने के लिए आए हैं, जिसके लिए सितंबर माह से जो इंटरव्यू के है तैयारियाँ इंटरव्यू लिया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रुप डी में ज़्यादातर जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं उनकी बहाली के लिए ये इंटरव्यू लिया जा रहा है और इंटरव्यू का सिलसिला सितंबर महीने से ही लगातार चल रहा है और लगातार जनवरी तक यह इंटरव्यू चलने की बात की जा रही है कि जनवरी तक इंटरव्यू चलेगा। प्रतिदिन 1600 स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर, आवेदक आते हैं और यहाँ पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। यानी कि अगर हम सितंबर से लेकर अब तक की बात करें तो करीब 4,32,000 स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है हो चुका है और अभी भी यह जनवरी तक चलेगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, नौकरी सिर्फ 186 और आवेदन 5 लाख के ऊपर। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि दरअसल यहां पर क्या कुछ चल रहा है। बिहार विधानसभा में ग्रुप डी के 186 पद के लिए वैकेंसी आई, 5 लाख के ऊपर युवाओं ने पद के लिए आवेदन किया। सितंबर महीने से लगातार इंटरव्यू लिया जा रहा है, रोज 1600 युवा चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अब तक करीब 4 लाख युवा चपरासी की नौकरी का इंटरव्यू दे चुके हैं।
चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जनवरी तक जारी रहेगी। जनवरी तक 5 लाख युवा चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देंगे, यानी 186 चपरासी पद के लिए करीब 5 लाख युवा इंटरव्यू देंगे। आंकड़े बताने के लिए काफी है कि बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है और हालात किस कदर भयावह हो चुके हैं। वहीं युवाओं का कहना है कि पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब जिम्मेदारी निभाने का वक्त है और उसे निभाने के लिए एक नौकरी की दरकार है। कुछ स्टूडेंट है जो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, हम उनसे सीधे पर बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? पटना से हैं। किस पोस्ट के लिए आए इंटरव्यू देने? ग्रुप डी के लिए, विधानसभा ग्रुप डी के लिए। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? हम तो ग्रेजुएशन पास हो गए हैं। और यहाँ पे क्या खोज रहे हैं? अब जो मिला है वो 10th पास। कहाँ से हैं आप? झारखंड से हैं। झारखंड से हैं? धनबाद से। अच्छा, एग्जाम कब है आपका? बस आज ही है। आज ही है। ये बताइए कि बहुत संख्या में यूपी से भी यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत जगह से आए, सिर्फ बिहार का ही बात नहीं है, कई स्टेट से भी लोग आए हुए हैं। अब क्या किया जाए? बिहार का भी स्थिति ऐसा है कि कहीं से भी कहीं लग सेट हो जाए। स्टूडेंट तो यही नहीं चाहेगा कि अब किसी तरह से कहीं सेट हो जाए। आप कहाँ से हैं? आरा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। किस चीज़ से एग्जाम में इंटरव्यू अभी? 4th ग्रेड के लिए, विधानसभा। कितने दिनों से ये चल रहा है इंटरव्यू यहाँ पे? सितंबर से चल रहा है। पर डे कितने स्टूडेंट? पर डे मतलब 2 शिफ्ट मिलाकर 1600। यकीनन इन युवाओं की बात सुनकर आप भी सोच में पड़ गए हो, लेकिन अब जरा सड़क के किनारे मौजूद इस फॉर्म की दुकान पर नजर डालिए, जो कभी नौकरियों की वजह से गुलजार थी, लेकिन आज नौकरी है नहीं। ऐसे में 1963 से इस फॉर्म की दुकान चलाने वाले राजू भाई के चेहरे पर भी निराशा है, जिनका साफ कहना है कि पिछले 6 महीने से सिर्फ पुलिस और शिक्षा दो ही विभागों में नौकरी निकली है और बाकी जो फॉर्म दिख रहे हैं उनकी डेट निकल चुकी है और अपना गुजारा वो कैलेंडर बेच कर कर रहे हैं। इस वक्त हम पटना में नियोजन भवन के सामने हैं, वहाँ पे राजू भाई की दुकान है। 1963 से यहाँ पर ये फॉर्म बेचने का काम करते आ रहे हैं और हर डिपार्टमेंट का, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य सरकार की हो, ये फॉर्म बेच रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे जो फॉर्म रखे हुए हैं, सब कब का है? सब कंप्लीट खत्म। अभी कितना दिन से कोई वैकेंसी नहीं निकला? तकरीबन लगता 6 महीना से कुछ, वही एक टीचर की निकली है। सिर्फ ये शो के लिए रखे हुए, क्योंकि ये इन सारे का डेट खत्म है। पिछले 6 महीना से कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है जिसकी ये फॉर्म बेच सके, और स्थिति ये है कि अब वो कैलेंडर बेच रहे हैं, फॉर्म बेच रहे हैं और उसके सहारे अब इनकी रोजी चला। अब आपको बिहार में बेरोजगारी के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे भी रूबरू कराते हैं, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि बेरोजगारी की वजह से हालात कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। बिहार में कृषि की दर 3.7% है। बिहार में उद्योगों की तादाद सिर्फ 3,345 है। 30 साल से कम उम्र वाले बेरोजगारों की दर 1.4% है। बिहार में 17.5% बेरोजगारी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 13% है। बिहार में 2,80,00,000 लोग 15 से 30 साल के बीच में हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में बेरोजगारी की वजह से हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। वहीं विपक्षी दल भी इसे लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अभी 4th ग्रेड की बहाली के लिए पिछले सितम्बर महीने से इंटरव्यू चल रहा है। 4,32,000 लोगों का इंटरव्यू हो चुका है। पता चल रहा है कि MBA डिग्रीधारी लोग हैं, वो भी एप्लीकेंट हैं 4th ग्रेड के लिए। तो ये अपने आप में साबित करने को पर्याप्त है कि बिहार में रोजगार कहीं नहीं। ये आंकड़े सिर्फ शर्मसार नहीं करते, बल्कि आने वाले भविष्य को लेकर चिंता का बड़ा सबब भी बने हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब तक युवाओं को रोजगार के मौके मुहैया नहीं कराए जाएंगे, तब तक राज्य के विकास का सपना भला कैसे पूरा हो पाएगा। अमिताभ ओझा, News24। तो एक बात तो साफ है, बिहार, बहार और नीतीश कुमार, इनके बीच कहीं से भी किसी भी रूप में कोई तालमेल नहीं है।